जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, जिन भी बच्चों का आर्मी का पेपर हो गया है, अब उन बच्चों की ये क्यूरियोसिटी ज्यादा हो गई है कि कितने नंबर वाले का रनिंग में नंबर आ सकता है या किसको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। वैसे तो आप सभी को ही करनी चाहिए रनिंग की तैयारी, क्योंकि जिस हिसाब से आर्मी का पेपर देखा है मैंने, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ऐसा होगा जो पहले से पढ़ाई कर रहा है। जो पढ़ाई नहीं कर रहा उसकी बात नहीं कर रहा, जो बिल्कुल सीरियस है और पिछले 2-3 महीना तैयारी किया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो पेपर में क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई ही है। ध्यान रखना, आर्मी में अभी भी महत्व ग्राउंड का ही बना रहेगा। आर्मी में पेपर का जैसे पहले महत्व था, उतना ही महत्व आज है, ना बड़ा नहीं है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करने से या पहले एग्जाम करने से, उसका कुछ ज्यादा महत्व नहीं बढ़ गया। इसमें कोई मेरिट नहीं जाएगी कि उसके बाद में कुछ ही लोगों को बुलाया जाएगा ग्राउंड में, क्योंकि आर्मी के लिए सबसे इंपोर्टेंट ग्राउंड है। इसलिए मैक्सिमम बच्चे पास किए जाएंगे, मिनिमम नहीं। जैसे एसएससी जीडी में क्या होता है या दिल्ली पुलिस में क्या होता है, उनमें होता है 8 गुना 10 गुना पास करना। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें कट ऑफ डिसाइड की जाएगी कि ये जो बच्चा है इसका मानसिक स्तर आर्मी के हिसाब का है, तो इससे ऊपर वाले सभी बच्चों को बुला लिया जाएगा। तो जितना मैंने आर्मी का आपका जब एग्जाम शुरू हुआ था, तो मैंने जब तक अभी तक के जो भी एग्जाम देखे हैं, उनमें एक चीज खास देखी है कि जिन भी बच्चों से पूछा है, पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, तो उनमें से हर बच्चे ने कोई भी बच्चा ऐसा नहीं मिला वो जिसने ये बोला कि मैंने 30 क्वेश्चन से कम किए हैं। यानी जो भी पढ़ने वाले बच्चे थे, उन्होंने किसी ने 35, किसी ने 40, किसी ने 45, किसी ने मतलब मिनिमम में बोल रहा हूं 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया? 30 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि 100 में से 60 नंबर, वो 100 में से 60 नंबर पर आर्मी में सिलेक्शन हो सकता है अगर कोई बच्चा ग्राउंड में 100 में से 100 मार दे। तो भाई पेपर के आधार पे तो आर्मी का जो बोर्ड है वो डिसाइड नहीं कर पाएगा ना कि ये बच्चा ग्राउंड में कितने नंबर लाएगा। तो यहां तो मिनिमम कट ऑफ जाएगी, ना कि मैक्सिमम। एसएससी जीडी आर जो दिल्ली पुलिस है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो अगला पड़ाव होता है फिजिकल, उसके कुछ नंबर नहीं होते, इसीलिए उनकी पहले से कट ऑफ आई जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ग्राउंड के नंबर 100 है। जितना पेपर का महत्व है, उतना ही रनिंग और ग्राउंड जो आपकी बाकी ऑप्टिकल से उनका महत्व है। इसलिए जिस बच्चे ने 60 नंबर अचीव कर लिए है, उसको रनिंग की तैयारी करनी ही चाहिए। ध्यान रखना लाडलो, और आर्मी की जो 1600 मीटर की रनिंग है ना, वो आसान नहीं है। आपको आज से ही तैयारी में जुट जाना चाहिए अगर आपके 30 से ज्यादा क्वेश्चन सही है। यानी आप रनिंग में भाग लेने योग्य 100% रहोगे। 30 से ज्यादा का सही मतलब हो गया 80%। कैसे? मान लीजिए कोई बच्चा है जो 100 में से 100 ले आता इधर, और 60 नंबर है उसके पेपर में, तो कितने हो गए? 160। 200 में से अगर वो 160 ले आए, इसका मतलब 80% नंबर उसने अचीव कर लिए। तो 80% कम स्कोर होता है क्या? बहुत अच्छा स्कोर होता है। तो कट ऑफ कितनी जाएगी? ये कोई कट ऑफ फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये सिर्फ एक बेसिक कट ऑफ है, जिसके आधार पर आपको ग्राउंड में, ग्राउंड की जो फालतू की भीड़ है, यानी जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, फालतू आर्मी के वहां भीड़ बढ़ा देते, उसको हटाने की कोशिश है। इसके अलावा कोई नहीं। एक चीज और ध्यान रखना, जिन बच्चों की रनिंग अच्छी है, उन्होंने पेपर में भी जम के तैयारी की है, और वही बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि सर हमारे 40 सही है, हमारे 45 सही है। आप में से ज्यादातर बच्चे, मैं अगर अनुमान लगाऊं तो गारंटी है मेरी, आप में से ज्यादातर बच्चे कमेंट करेंगे 35 से 40 के बीच में कि हाँ सर हमारे 35 सही है, हमारे 40 सही है। आप कमेंट अपने नंबर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। मैं 100% बोल सकता हूं कि इस स्तर पर आपके नंबर होंगे, और अगर इस स्तर पर है तो आपको रनिंग की तैयारी करनी करनी है। क्योंकि अगर मान लीजिए 35 क्वेश्चन आपने सही किए, 70 नंबर आपने अचीव किए, 100 आप ग्राउंड में ले आए। 100 ग्राउंड में कैसे ले आए? क्योंकि पहले से ही कोई कैसे डिसाइड कर सकता है कि 80 लाएगा या 100 लाएगा? तो बोर्ड भी डिसाइड नहीं कर सकता आर्मी का, इसीलिए वो मैक्सिमम मान के चलेगा कि माना कि मैक्सिमम ये बच्चा ग्राउंड में 100 ले आएगा और 70 नंबर इसका इधर है, तो क्या इस पे हम सिलेक्शन दे सकते हैं इस नंबर पे? तो अगर उनको लगा कि हाँ हम 170 पे बच्चों को सिलेक्शन दे सकते हैं, हमारी जितनी सीटें हैं वो फिल हो सकती है। दूसरी, अगर वो पहले से जो कट ऑफ डिसाइड कर सकते हैं, उससे सीटें बढ़ा और घटा भी सकते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। कोई फिक्स पर्टिकुलर नहीं है कि इसी भर्ती में उनको कवर करना ही करना है। अगर सीटें बढ़ानी हो तो जरूरत पड़ने में बढ़ा भी सकते हैं, कम करनी हो तो कम भी कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना लाडलो, क्योंकि इसीलिए वो सीटें उजागर नहीं करते, वो अगली भर्ती में कर लेंगे, 6 महीने बाद जो भर्ती होगी उसमें फिल। इस बात का विशेष ध्यान रखना आप। आपको रनिंग की तैयारी अभी से कर देनी चाहिए। जहां पे भी आप तैयारी अपने घर पे करना चाहते हो, अकेडमी करना चाहते हो, या जो भी आप निजी स्तर पे कहीं पे भी आप तैयारी करना चाहते हो, तैयारी आज से शुरू कर दीजिए आर्मी रनिंग की। आसान भी नहीं है, लगभग 2 महीने 2.5 महीने का ही समय है, ज्यादा समय भी नहीं है। आज से हो जाइए शुरू रनिंग करना। जय हिंद, जय भारत लाडलू।